हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज जो हमारे पास है ये है होंडा की 6G एक्टिवा। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना तो ये सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। और इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ को हमने डायग्नोस कर लिया, इसलिए मैंने आपको ये पहले से ही खोल के रखा हुआ है। ये जो आप इसका फ्यूज बॉक्स देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो फ्यूज़ है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का जो फ्यूज़ है ये हिल जा रहा है। अभी इसके हिलने की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। जैसे कि भाई यहाँ पे लगाएगा, मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर मीटर में लाइट आने लग जाएगी। देखो अब आ गई, अब ये बंद चली गई, ठीक है। अब अगर मैं सेल्फ लूँगा तो ये स्टार्ट होगी गाड़ी। और इसमें जो प्रॉब्लम है तो सेल्फ स्टार्ट ना होने की प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फ्यूज़ हैं, इसके जो जैक हैं, जैक हिल जा रहे हैं। और ये फ्यूज़ जो है इसको अगर दबा देते हैं अंदर को या ऐसे पैर से लात मारते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, और फिर कभी कभी बंद हो जा रही है। तो हमने इसमें सॉल्यूशन ये किया है कि इसको अगर फ्यूज़ बॉक्स को मैं डलवाता हूँ, अब इसको अगर मैं इसको पूरे फ्यूज़ बॉक्स को डलवाता हूँ तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट में अभी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी को आए हुए साल भर हुआ है, कुछ पार्ट अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स आएगा, ये पूरी वायरिंग के साथ में पूरा आएगा, और कम से कम ये मान के चलो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है। और इसको हमने बार बार इस फ्यूज़ को बदल देते हैं तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जा रहा है। अब ये यहाँ पे जैक लूज हो गया, तो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि अब हम इसमें एक डायरेक्ट फ्यूज़ देने वाले हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। ये आपने देखा होगा बाइकों में अक्सर आता है, इसको जो इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो कुछ कैप्सूल टाइप के तरीके से होता है, कांच का जो फ्यूज़ होता है। तो अब हम इसमें सॉल्यूशन ये करेंगे कि इसको हम फ्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट फ्यूज़ लगाएंगे। अब वो फ्यूज़ किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को देखिए कि फ्यूज़ लगाना किस तरीके से, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ फ्यूज़ को, हमको इस फ्यूज़ को इसमें इस फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ को कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देख लेना है, जो ग्रीन कलर का जिस जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ था उन वायरों को आपको, आप लोगों को ढूंढ लेना है उस वायर को। जो वायर आप ढूंढ लेंगे, जैसे भाई यहाँ पे कट लगा रहा है इस वायर में, तो वो नीचे से आपको पता पड़ जाएगा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस वायर में आपने कट लगा देना है। कट लगा करके अब इस फ्यूज़ को, ये जो ग्रीन फ्यूज़ है, जो ग्रीन फ्यूज़ ये रहा, इस ग्रीन फ्यूज़ की अब ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे अब हम डायरेक्ट फ्यूज़ लगाने वाले हैं, ये वाला। अब ये लगाने का मैं तुम्हें रीज़न बताऊं, क्योंकि वो जो फ्यूज़ था ग्रीन वाला, वो फ्यूज़ जैक ख़राब हो चुके हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, गाड़ी उसको शॉर्ट कर दे रही है, वो बार बार फूक जा रहा है, फ्यूज़ हो जा रहा है। अब इसमें हम डायरेक्ट कनेक्शन करना है। और दूसरा वो है कि जो ग्रीन वाला फ्यूज़ है वो लूज़ हो चुका है, अगर हम पैर से लात मार दें या गाड़ी को हिल जाती है तो कभी कभी लाइट आ जा रही है, कभी कभी लाइट चली जा रही है। तो उस चीज़ का कुल मिला के सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि अब इसमें हम डायरेक्ट ये वाला फ्यूज़ इंस्टॉल कर देंगे, जिससे जो हम पैर मार के, अगर पैरदान में अगर पैर मारते हैं तो कभी कभी लाइट आ जाती है मीटर में, कभी कभी लाइट चली जाती है। तो अब हमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है इस फ्यूज़ का, तो हिलने वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब आगे चेक करके आपको बताते हैं ये चीज़ सक्सेस होती है कि नहीं होती है। आपके आप वीडियो में मैं आपको, हमने जो वाइट वाला जो फ्यूज़ इंस्टॉल किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि एक वायर का कनेक्शन हमने जो ग्रीन वाला फ्यूज़ था जो कि इस जगह पे लगा हुआ था, यहाँ पे, तो ये जो हमने अब वो ग्रीन वाला फ्यूज़ हटा दिया, अब ये फ्यूज़ लगाया हमने, तो एक कनेक्शन हमने इसका यहाँ पे दिया है, दूसरा कनेक्शन हमने बैटरी के प्लस पॉइंट में इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़, इस जगह पे हम टैपिंग कर देंगे। और अब मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे मीटर में लाइट नहीं आ रही थी, इस जगह पे अगर मीटर में लाइट आती तो ये साइन यहाँ पे ग्रीन हो जाता, जैसे इस तरीके से, ये रहा, तो बंद क्या हो गया। अब मैं यहाँ पे सेल्फ दबाऊँगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होगी गाड़ी। तो जो हमने फ्यूज़ इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है, ठीक है। ये बता दो, तार बता दो, जो स्टार्टिंग की फ्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी वो तार मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि तार कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत तार में कनेक्शन कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो रेड वाला जो तार है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेड तार के अंदर वाइट लाइनिंग हो रखी है, तो इस तार में आपने फ्यूज़ को कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और एक वायर यहाँ पे प्लस पॉइंट में जाके बैटरी से कनेक्ट कर देना है। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, गाड़ी स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, मीटर में भी लाइट आ रही है, स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी चालू है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।